Everybody shake it, baby. हेलो इयन, 2G नेटवर्क। 2G नेटवर्क है भाई, यहाँ पे शुक्र करो 2G भी है अभी। और बता, लॉकडाउन में क्या करता है तू? जब 370 रिमूव हुआ था यहाँ से, तब तो नेटवर्क इंटरनेट भी नहीं था। तब हमारे स्टेट की जनता 2-3 महीने बिना इंटरनेट के रही थी, तो शुक्र करो 2G भी है अभी यहाँ पे। हाँ यार, धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे क्राइम कम होता जाएगा वैसे वैसे बढ़ेगा। हमारे लिए लॉकडाउन कुछ बड़ी बात नहीं है, हम लोग यूज टू हैं लॉकडाउन के। और बता, लॉकडाउन में क्या करता है? बहुत ट्रिकिंग करता है, देख रहा हूँ हर दिन कुछ ना कुछ वीडियो डालता है तू। ऐसे नींद ही नहीं आती है। ट्राई करता हूँ थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करने का, लेकिन हो नहीं पाता है। ऑल्टरनेट डे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करता है। नींद नहीं आती है, टाइम में लेट सोता हूँ, सुबह लेट उठता हूँ। कभी एज एन एथलीट कभी इतना घर पे रहे नहीं है ना, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है घर पे रह के इतने टाइम के बाद। मेरे को आदत है ना, सिर्फ क्रिकेट खेलने बाहर निकलता हूँ, वो भी बंद हो गया। क्रिकेट में भी अगर 1-2 दिन नहीं खेले हैं, उसके बाद ऐसा यूके लगता है कि अब कुछ यूके में आदत हो गया था ना, यूके में आदत हो गया था पांच अगर मैदान का। अगर अगर यूके में हो जाते लॉकडाउन केपी, तो कैसे रहते हैं? हाँ यार, तो तेरा डायलॉग तू मेरे को बोल बोल के पागल कर देता था। क्या भूल गया? ये ऑल राइट क्या कुछ तो था ना, क्या भूल गया हाँ? था? अरे वो डायलॉग तू मारता था ना बार बार, इरिटेट करता था मेरे को बार बार बोल के। Who you are? अरे भूल गया, अरे बहुत टाइम हो Not गया। too bad. लेकिन अच्छा अच्छा टाइम स्पेंड किया था वहां पे भी, यूके में। यूके में भाई वो जीव तो मैं अभी भी नहीं भूल सकता, वो दिन मेरे पैर की लगी थी लाइफ में, हाल नहीं हुआ था भाई, स्टेयर चढ़ने को भी हालत खराब। वो जो जिम का सेशन था केपी सर, वो फुल अल्टीमेट था। एंथू हो गया था मैं, फुल एंथू बोला 100% दूंगा, 100 हो गया पूरा हफ्ता। मैच भी सीढ़ियां मर नहीं मर चढ़ पा रहे थे तुम, सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे थे वो तुम। रेंगते हुए जा रहा था, रेंगते। और हाँ बाकी जी, और सब क्या चल रहा है, और कुछ कैसे नहीं, चलता है ये पूरा दिन? दिन तुम्हारा वो क्या फॉलो करता उठता हूँ मैं, जो यूट्यूब चैनल शुरू किया है, कभी उसमें काफी सारे बेसिक्स यार। क्लियर हो जाते हैं। अच्छी चीज है, क्योंकि कभी कभी बीच में एक ग्रिप का तुमने डाला था, किसी के हाथ में गैप रहता है, किसी के हाथ साथ में रहते हैं, कोई ऊपर से पकड़ता है, कोई नीचे से पकड़ता है, तो वो मेरा तो एकदम ही ग्रिप में दोनों हाथों में गैप रहता है, इसलिए थोड़ा बॉटम हैंड कट पुल में ज्यादा खेलता हूँ, और ड्राइव्स में थोड़े से प्रॉब्लम आते हैं मेरे को, तो उसपे थोड़ा कुछ बताओ कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं यार, अभी ये अभी क्या बोलूं मैं आपको, इतना प्रोफेशनल प्लेयर हो आप, आपको किधर बताना है कुछ, वो सिर्फ बच्चे अरे लोग लर्निंग के लिए। लर्निंग लर्निंग केपी सर, लर्निंग की कोई उम्र नहीं है। अगर इस उम्र में भी कुछ एक चीज ऐसी मिल गई जिससे हम खेल गए अच्छा, तो उसमें क्या बुराई है? नहीं यार, ऑलरेडी मैं तुझे बोला था जो बोलना था ग्रिप का, तो अभी एज में थोड़ी बोलेंगे यार, तेरे को बैटिंग का तो ऑलमोस्ट। मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो ग्रिप है, जो मेरी ग्रिप है, मतलब उससे अगर कोई अच्छा विकेट कहीं मिले खेलने को, तो उधर मैं फिर भी एडजस्ट कर लूंगा ड्राइव्स मारने में, बट जहां पे थोड़ा सा स्लो विकेट होगा या थोड़ा सा टर्नर विकेट होगा, वहां पे थोड़ा ड्राइव्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ा पिच एयर में जा सकता है, तो थोड़ा एडजस्ट करके खेलना पड़ेगा, कैलकुलेट करके खेलना पड़ेगा। वो तो अभी तुझे इतना साल खेला तो तेरे को आइडिया होना चाहिए ना, इतना साल एक्सपीरियंस है, अभी तेरे को अगर ग्रिप भी चेंज नहीं करना है तो तेरे को वैसा पिच का प्रैक्टिस करके लेट खेल सकता है तू। और और अपना, मेरे को तेरा आपको जर्नी काफी थोड़ा अच्छा लगता है।
जर्नी बता मेरे को, मतलब तू अपन मिले कब थे? डीवाई पाटिल में, तभी तू कॉलेज कर रहा था डीवाई पाटिल में। उसके बाद से मैं बाद में डायरेक्ट तू टाटा में आया, तभी अपना अच्छा दोस्ती हुआ। उसके पहले का मुझे इतना ये नहीं है, तो तेरा जर्नी जर्नी मेरा बता मेरे बहुत को। तो बहुत पढ़ाकू रोलर कोस्टर लड़का भी है राइड तू रही है बहुत। मेरी। बॉम्बे में मतलब मैं आया ये सोच के आया था कि इंजीनियरिंग करूंगा और थोड़ा बहुत क्रिकेट भी खेल लूंगा जब मैं डीवाई पाटिल आया था पहली बार। बट जब मैं खेला, स्पेशली हम लोग कांगाली खेलते थे उस टाइम पे, वो भी छोटा डिवीजन खेलते थे, कोई डी डिवीजन ई डिवीजन ऐसा कुछ खेलते थे। तो एक डिवीजन मेरे को याद है, एक डिवीजन में खेला था और उसमें मैं पूरे पूरे डिवीजन में आउट ही नहीं हुआ था, नॉट आउट ही आया था पूरे हर एक मैच में। अच्छा तो तब और वो साल मैं अपनी स्टेट से रणजी ट्रॉफी भी खेला था, तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था। मतलब बहुत जल्दी जो कंपटीशन है बॉम्बे क्रिकेट का, वो मेरे को काफी हेल्पफुल रहा था, क्योंकि मैं अच्छों में खेलने लग गया था। सारे क्लास प्लेयर थे उस टाइम में, डीवाई प्लेयर में कंपटीशन बहुत हाई रहता था। डीवाई की टीम में भी बैठना उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो चीज से मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत मिला और मैं मतलब फिर मैं रणजी ट्रॉफी में जल्दी आ गया था और जल्दी मतलब मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने लग गया था अपनी स्टेट से। उस टाइम पे हमारी स्टेट की टीम थोड़ी हल्की भी रहती थी, इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था प्लेयर्स को, बट जल्दी मैंने ग्रास्प किए थी वो चीजें। और डीवाई में प्रैक्टिस अच्छी होती थी, वहाँ का माहौल अच्छा था, लोगों की सोच अच्छी थी, तो मैं मतलब वहां पे रह के सीखा, मतलब ग्रोथ काफी अच्छी हुई। और उसके बाद फटाक से जब मैं डीवाई से निकल के फिर मैं पारसी जिमखाना में आया। पारसी जिमखाना में भी मतलब मैं 1-2 साल खेला वहां पे, और वहां पे फिर मैंने थोड़ा टाउन का क्रिकेट देखा, क्योंकि डीवाई में हम लोग थोड़ा ताने साइड का क्रिकेट और ये वाशी साइड का क्रिकेट ज्यादा खेलते थे। और जब मैं जिमखाना में आया तो मैं जिमखाना क्रिकेट थोड़ा ज्यादा खेलने लग गया। जैसे तलियार खान करके एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें मैं पारसी का कैप्टन था और हम लोग वो फर्स्ट टाइम जीते थे। मेरे ख्याल से आप भी खेले थे वो कस्तु पवार, वो फाइनल उस टाइम पे आप इंडिया मेरे ख्याल से U23 एमसीए खेल गोल्ड से रहे थे। खेला था मैं, एमसीए गोल्ड से खेला था। तुम्हारे सामने हाँ, 100 फिर मैं मारे थे, पारसी एक से खेला। ही ओवर में 20 रन खाए थे। हाँ, तो वो एक फाइनल हम जीते थे। तो उसके बाद मेरे ख्याल से उधर ही मिलन रेगे सर थे, उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था टाटा से खेलने के लिए। तो टाटा एक काफी अच्छी टीम थी उस टाइम पे, आज भी अच्छी टीम है, बट उस टाइम पे टाटा बहुत ही अच्छी टीम हुआ करती थी, क्योंकि ए डिवीजन के चैंपियन हुआ करते थे और सारे बॉम्बे के लेजेंड्स उसमें खेलते थे, जैसे अजीत अगरकर हो गए या रमेश पवार हो गए या विल्किंस मोटा हो गया। तो मतलब काफी बड़े बड़े प्लेयर खेलते थे उस टाइम पे टाटा में, और तुम भी खेलते थे उस टाइम पे। मेरे ख्याल से तुम्हारा और मेरा एक साथ ही डेब्यू हुआ था मेरे ख्याल से टाटा तो में। मेरे बाद एक हम लोग आया डीवाई में भी एक साथ ही आए थे और एक साल कुछ आगे था। पीछे होगा तो टाटा में आए थे। तो टाटा में जब मैं आया तो रियल बॉम्बे का जो क्रिकेट है ए डिवीजन मतलब टाइम शील्ड, वो मैंने खेला था। वो मेरे को काफी हेल्पफुल रहा, क्योंकि वो रणजी ट्रॉफी की प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। उस टाइम पे क्योंकि टाइम शील्ड का मैच, सब एक दो प्लेयर रणजी मैच, ट्रॉफी खेले हुए रहते हो वहां पे, मतलब जो करंट प्लेयर नहीं है, तो जो भी एक्स प्लेयर, सब एक्स प्लेयर, करंट प्लेयर या फिर एकदम फ्यूचर प्लेयर जो एकदम एज ग्रुप खेलते हैं, वो सब खेलते हैं, तो एक अलग माहौल रहता है। क्योंकि क्लब क्लब का उस एडिविजन और टाइम टाइम पे फील्ड मेरे का को एडिविजन ऐसा बहुत फर्क लग है। हाँ उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता था कि जो टाटा का ए डिवीजन है, टाटा नहीं मतलब जो बॉम्बे का ए डिवीजन रहता था टाइम शील्ड का, वो रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप से ज्यादा बेटर रहता था, क्योंकि तब हाँ इलीट और प्लेट दो होते थे, तो इलीट लेवल का ही रहता था। क्योंकि अगर आप इंडियन ऑयल की भी टीम देखो, पुजारा, रोहित शर्मा ये सब खेलने आते थे। फिर अगर आप एयर इंडिया की टीम देखो तो सुरेश रैना हो गया या फिर आमिर, अमन धीरज ओझा यादव, हो मोहम्मद गया, मतलब कैफ। कैफ सब खेलने आते थे। और मेरे को याद है एक मैच हम खेले थे एयर इंडिया के अगेंस्ट ही, एयर इंडिया की फुल पैक टीम खेल रही थी और हमारे नॉर्मल यंगस्टर्स हम लोग सब खेल रहे थे, जिसमें केपी सर आपने स्पेल डाला था बहुत तगड़ा बॉलिंग का। हम फाइनल एमआईजी पे बोल खेल रहे थे, रहे थे। फाइनल मैच हाँ, हम धीरज लोग एमआईजी पे खेल डालो। रहे थे और आपने फर्स्ट चेंज बॉल डाला था और क्रूशल 3-4 विकेट ऊपर से निकाल के दिए थे, और मैंने भी कुछ 95 कुछ नॉट आउट बनाए थे उस मैच में। तो मतलब वो उस टाइम पे जो ए डिवीजन का अभी, और एक और चीज अच्छी ये होती थी कि अक्टूबर में 1-2 मैच हो जाते थे, अक्टूबर हो में मतलब रणजी जाते ट्रॉफी से पहले ए डिवीजन के 1-2 मैच हो जाते थे, हैं। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बंदा एक फॉर्म टच में आया था, रणजी ट्रॉफी के टच में आया था। अरे वहां से तो सिलेक्शन भी वहां होता से था मुझे।
हाँ वहां से बॉम्बे का भी सिलेक्शन मतलब हो जाता था प्लेयर्स का, और एक एक जो कंपनी क्रिकेट की है, ये ए डिवीजन में चैंपियन होना या ए डिवीजन में सरवाइव करना है, वो काफी अच्छा एक कंपटीशन रहता था। और हम लोग आई थिंक चैंपियन भी हुए थे, आई थिंक पहले या दूसरे साल ए डिवीजन के चैंपियन भी हुए थे। तो वो खेल के, और एक दो बार रनर अप भी आए थे। तो वो मतलब वो क्रिकेट खेल के भी काफी सीखा मैं बॉम्बे में, जब मैं रणजी ट्रॉफी में आया तो उसमें काफी सीखा। फिर रणजी ट्रॉफी में भी मतलब पहले डेब्यू में मैंने कुछ 70 odd runs बनाए थे रेलवे के अगेंस्ट। तब मुरली कार्तिक और भांगड़ ये लोग सब, हरदविंदर हैरीबाजी सब खेल रहे थे ये लोग। तो वो भी मेरे को एक बूस्ट मिला कि मैं अगर क्लब लेवल पे अच्छा कर रहा हूँ तो रणजी ट्रॉफी में भी आके मेरा स्टार्ट एक अच्छा हुआ, और दूसरे मैच में मैंने 100 भी बना दिया था। तो एक अच्छी स्टार्ट मिली थी, तो तब मेरे को पता चल गया था कि मेरे को मतलब क्रिकेट में आई कैन डू इट। बिकॉज आपको पता चल जाता है क्रिकेट में आप कितने सर्वाइव कर सकते हो, कितने पानी में, क्योंकि आपकी अपनी स्किल लेवल ऐसी होती है क्रिकेट में कि कुछ छुपता नहीं है। क्योंकि इन दी एंड आप जब ग्राउंड पे हो आपको अपने आप को प्रूव करना है। तो उसके बाद फिर दोबारा मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी, और उसके बाद मतलब मैं इंडिया मतलब दिलीप ट्रॉफी हर साल सिलेक्ट होता था। 3 4 साल तो चांस नहीं मिलता था उस टाइम पे दिलीप ट्रॉफी खेलने के लिए भी। मुझे याद है एक मैच वेस्ट मेरे जोन पे सामने था, आप खेल रहे थे वेस्ट दो जोन साल से। हाँ हम लोग, हमारा मैच था मेरे ख्याल से हैदराबाद में कहीं मैच था, और मैं पानी पिला रहा था उस मैच में, और आप खेल रहे थे वो मैच। नॉर्थ जोन की टीम ऐसी होती थी कि मतलब ईशान शर्मा, शिखर धवन, गौतम देखा गंभीर, विराट कोहली, युवराज सिंह, सहवाग, गंभीर, मतलब हरभजन सिंह, अमित मैंने। मिश्रा, पूरी पैक टीम रहती थी। तो दिलीप ट्रॉफी में भी चांस मिलना बहुत मुश्किल था, बट फिर लकली एक बार मेरे को दिलीप ट्रॉफी में भी चांस मिला। हमारा साउथ जोन के साथ मैच था कोची में, और मैंने डेब्यू में दिलीप ट्रॉफी में 145 बनाए थे कोची में मतलब। तो वो अगेन वो एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला मेरे को, कि मेरे को लगता था तब तक मेरे को लगता था कि हाँ मैं सिर्फ रणजी ट्रॉफी में ही सरवाइव करूंगा, बट वो जब मेरे को एक बूस्ट मिला मतलब एक चांस मिला, वो एक ही मैच मेरे को मिला दिलीप ट्रॉफी में, और मैंने उसमें 100 बनाया था। तो मेरे को लगा कि मैं इंडिया खेल सकता हूँ। उसके बाद दोबारा फिर टीम में आया दिलीप ट्रॉफी की, जब फर्स्ट पिंक बॉल क्रिकेट हुआ था इंडिया का, तो उसमें भी था मैं, इंडिया बहुत ग्रीन की टीम मारे में थे था। यार बट मेरे मैच को, में। बट उसमें उसका मेरे को ये लगता है कि 2 बजे जो इंडिया में मैच शुरू होता है पिंक बॉल, एक तो इंडियन विकेट्स में इतना घास नहीं होता है तो वो पिंक बॉल का इफेक्ट नहीं रहता है, क्योंकि वो कुकाबूरा बॉल रहती है तो उसका इफेक्ट 2 बजे तो वैसे ही चले जाता है। क्योंकि जो भी इफेक्ट रहता है इंडिया में वो सुबह तो नया 9:30 बॉल से भी 10:30 नया बॉल इलेवन भी रहता मॉर्निंग है तो। सेशन एक रहता है जो जो रहता है अपने लिए इम्पोर्टेंट। बट ये जो 2 बजे पिंक बॉल शुरू हुआ, वो मतलब 700 700 रन बना रही थी टीमें, तो वो आई थिंक वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ इंडिया में, अनटिल अनलेस कि आप एकदम हरा विकेट दो तो थोड़ा सपोर्टिव रहेगा फास्ट बॉलर्स के लिए मैं भी। जब फर्स्ट ईयर खेला था ना तो दुलीप ट्रॉफी, तभी कुक्का वाला बॉल था रेड बॉल तभी, और घास का विकेट था, दोनों टीम जल्दी आउट हो गए थे। और कुकाबूरा का नया रेड बॉल भी कुछ तो ज्यादा बाद में फिर हेल्पफुल नहीं रहता है बॉलर्स के लिए। अभी सिर्फ जैसे अभी हाल फिलहाल हम हेल्प, लोग, नया बॉल ही हेल्पफुल रहता है, एक बार पुराना हो जाए तो फुल बैटिंग के लिए अच्छा रहता है कुक्का वाला बॉल। कुकाबूरा का जो रेड बॉल है, अभी जैसे हम लोग श्रीलंका में इस साल एक इंटरनेशनल असाइनमेंट मिला था खेलने का, तो वहां पे पिछले साल तक कुकाबूरा रेड बॉल से ही मैचेस होते थे। तो वहां के लड़के बोलने लगे कि ये इससे बहुत रन बनते थे, मतलब हर कोई 1000 1000 रन बना रहा था सीजन के। तो इस साल श्रीलंका ने भी मतलब रेड बॉल शुरू किया है। रेड बॉल कौन सा, जो अपना SG यूज होता है वही बॉल उनको बना के दी, और वही यूज हो रहा था क्योंकि दे वॉन्टेड टू इम्प्रूव देयर क्रिकेट ऑल्सो। तो आई थिंक जो टेस्ट क्रिकेट है और रणजी ट्रॉफी का जो लेवल है वो रेड बॉल से ही आपको पता चलता है, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट आज की डेट में काफी मतलब अलग लेवल पे हो गया, क्योंकि बैट्समैन बहुत डोमिनेट करने लग गए हैं। क्योंकि जो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं या फिर जैसे विकेट्स मिलती हैं खेलने के लिए, बॉलर को या तो बहुत ही, अगर कोई फास्ट बॉलर है उसको अगर वो 140+ नहीं है तो वो बहुत मतलब उसके लिए सर्वाइव करना व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत टफ हो जाएगा, अनटिल अनलेस उसके पास वेरिएशंस अच्छी हैं, या अगर वो नया बॉल बॉलर है भुवनेश्वर कुमार की तरह तो उसके पास स्विंग एक्यूरेट स्विंग स्विंग अच्छा है उसके पास, या अगर कोई स्मार्ट बॉलर है कौस्तुभ पवार की तरह जो मतलब अपनी हाथ से दोनों तरफ की स्विंग कराए तो वैसा भी हो सकता है। बट आज की डेट में आई थिंक स्किल लेवल जो है बैट्समैन का काफी बढ़ गया है, और बॉलर जो है थोड़े मतलब बहुत विकेट डिपेंडेंट हो गए हैं, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल विकेट नहीं है तो काफी स्ट्रगल करने लग जाते हैं।
तो यूं ही मतलब रणजी ट्रॉफी खेला, दिलीप ट्रॉफी खेला, फिर मैं ईरानी ट्रॉफी में भी टीम में था, उसमें भी अब हमारा बॉम्बे के साथ ही मैच था, के बॉम्बे के साथ मैच था हमारा, बहुत बरेमा बहुत बड़ा बीसीसीआई मैच पे था मैच वो, था, मुंबई फर्स्ट 5 इनिंग हार दिन का मैच के था वो, अर्जुन के हार गए थे। मुंबई फर्स्ट इनिंग जीता था उस मैच में, मेरे को याद है, सूर्या कैप्टन, नहीं तरे कैप्टन था, करे और करे करे मुंबई ने फर्स्ट फर्स्ट इनिंग में लीड लिया मेरे था, ख्याल बड़ा से लीड साढ़े लिया। 300 400 कुछ रन बनाए थे, और हमारी रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम 250 कुछ पे ऑल आउट हो गई थी, बट मुंबई ने दोबारा बैटिंग की थी और वो लोग कुछ 200 पे ऑल आउट हो गए थे, और मैं कुछ 500 का टारगेट मिला था, 450 500 का, और वो 5th डे पे चेज हुआ था, तो मतलब था मैं उस टाइम तक, तो मेरे को ये लगता था कि मैं अब 1 2 साल में मेरे को इंडियन टीम में आ जाना चाहिए, मतलब टेस्ट टीम में मेरे को आ जाना चाहिए, बट फिर थोड़ा लक फैक्टर आता है, मतलब एक सीजन मेरा बीच में काफी खराब गया, मतलब उस साल से 5 मैच हुए थे, और 5 मैच में मतलब मैंने सिर्फ 150 कुछ बनाया था, तो ऐसा हो रहा था उस टाइम पे कि मैं विकेट थ्रो नहीं कर रहा था बट मेरे को बॉल आउट कर रही थी, तो आई थिंक वो भी एक एक टाइम आता है प्लेयर की लाइफ में जब आप के टाइम एक बुरा टाइम आता है, बट उसके बाद ही आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, तो उसके बाद फॉलोइंग सीजन में मैंने फिर से 100 बनाया, और अभी जो मैं हाल फिलहाल श्रीलंका में भी खेल के आया फर्स्ट क्लास, वहां पे भी मतलब 60 70 की एवरेज से रन बना के आया, तो अच्छा अभी टच अच्छा था, बट ये लॉकडाउन की वजह से अभी थोड़ा चला गया है टच, अभी थोड़ा बहुत सिर्फ घर पे बैठ के फिटनेस वगैरह करते रहता हूँ और बैडमिंटन खेलते रहता हूँ, यही है, और यही प्रे कर रहे हैं सबसे कि सब सही रहें, अपने जितने भी टीममेट्स हैं क्लब के या कंपनी के या फिर रणजी ट्रॉफी के टीम के, सबसे यही टच में रहते हैं कि सब सही सही रहें, घर पे रहें और उनकी फैमिली सही रहें, यही सब है चलो अभी। क्वेश्चन देखते हैं, दो तीन लोग ने दीजिए। एक धनंजय पानसुरिया ने की क्वेश्चन है कि हाउ टू प्ले ऑन ग्रीन विकेट स्पेशली इन द मॉर्निंग फॉर ओपनिंग बैट्समैन, आप जवाब हाँ दोगे? मतलब ये कौस्तुभ पवार आप इसका अच्छा जवाब दे सकते हो क्योंकि आप ओपनिंग बैट्समैन हो, बट मैंने भी ओपन किया है रणजी ट्रॉफी में, मोस्टली मेरे को ऐसा लगता है कि ग्रीन विकेट पे आप जितना लेट खेलोगे उतना उतना आपके लिए अच्छा रहता है, और जितना अर्ली आप पोजीशन में आओगे और लेंथ जज करोगे बॉल की उतना बेटर रहेगा, और मेरी तो एक ही टेक्निक रहती थी कि अगर विकेट में बहुत कुछ हो रहा है तो मैं अटैकिंग मोड में ही रहता था ताकि थोड़ा स्ट्राइक रोटेट होते रहे, उससे बॉलर भी थोड़ा सोचता है, और मतलब बॉलर को एक बॉलर का एक टप्पा मैं सेटल नहीं होने देता, मतलब अपनी क्रीज पे काफी क्रीज यूज करते रहता हूँ आगे पीछे ये सब करके, तो मेंटल गेम्स आई थिंक काफी चलते हैं जब आप रणजी ट्रॉफी में खेलते हो, तो 11 के 11 जन फील्ड पे सोच रहे होते हैं, इवन जो बाहर के 4 भी होते हैं वो भी मैसेज लेके आ रहे होते हैं, तो आपको प्रिपेयर रहना होता है मैच से एक दिन पहले भी, आपको देखना होता है कि अगली टीम की क्या स्ट्रेंथ रहेंगी, उनके फास्ट बॉलर की क्या स्ट्रेंथ रहेंगी, कहाँ पे डालने वाले हैं, तो बेसिकली जो बेसिक्स कहता है वो ये कहता है कि ग्रीन विकेट पे आपको लेट खेलना चाहिए और जितना आप बाहर की बॉल छोड़ो उतना अच्छा है, बट मॉडर्न डे क्रिकेट थोड़ा डिफिकल्ट डिफरेंट हो गया है, अब मॉडर्न डे में ग्रीन विकेट आता है तो अभी सबके बैट चलते हैं, और ये तुम्हारे मतलब ये थोड़ा बहुत तो कहते हैं कि गट्स भी होते हैं या फिर आपको कि थोड़ा बहुत फ्लैम बॉयंस होती है बैट्समैन में कि वो थोड़ा अपने अड़ में भी खेलता है कि अगर ग्रीन है तो मैं अगर उसको मारूंगा बैट बॉलर को मारूंगा अगर, तो बॉलर का थोड़ा बहुत मोरल डाउन होगा, तो मेंटल गेम काफी रहती है, बाकी केपी आप ओपन करते हो आपका क्या रहता है, मतलब जब आप ओपन करते नहीं, हो ऐसा कुछ ग्रीन विकेट मेरी मिल तरफ जाए। से जैसे ग्रीन विकेट में दो टाइप के बैट्समैन सक्सेसफुल होते हैं। एक है जो अटैकिंग खेलता है पर उसका सक्सेसफुल रेट कम रहता है, और एक जो खेलता है वो टाइम लेके खेलता है, मतलब लूज बॉल रहेगा वो ही मारेगा बाकी सब छोड़ के। तो मेरा बैटिंग वैसा है, मतलब मैं मोस्टली अगर आप देखोगे तो मेरा सीमिंग विकेट्स में ज्यादा रन होता है क्योंकि मैं अच्छे से बॉल छोड़ता हूँ। तो फिर मेरा वही रहता है कि अगर सीमिंग है तो मेरा जो स्ट्रेंथ है, मतलब मेरा डिफेंस स्टंप का बॉल में अच्छा खेलता हूँ, अच्छा बॉल छोड़ता हूँ और लेट खेलता हूँ, ज्यादा अच्छा स्ट्रेच नहीं आपसे करता, लेट खेलता। आपसे एक चीज पूछूंगा केपी, अभी इस साल हम टाइम शील्ड का एक मैच खेले थे वर्ली स्पोर्ट्स क्लब पे, जहां पे ग्रीन हाँ विकेट था थोड़ा हाँ अगर आपको रिमेम्बर होगा, तो वहां पे मतलब दूसरी टीम तो जल्दी आउट हो गई थी, 80 कुछ पे ऑल आउट हो गई थी, हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं दोनों सिद्धार्थ राउत और अपना जो दूसरा फास्ट बॉलर है बोला बोल दोनों ने काफी
दोनों ने काफी अच्छी बॉल डाली थी और मतलब सारे विकेट आउट किए थे पीछे स्लिप्स पे, और हमारी जब बैटिंग आई थी और मोस्टली उस विकेट पे बैट्समैन बोल्ड हुए थे क्योंकि बॉल थोड़ा बहुत कट रहा था, ऑफ द विकेट थोड़ा बहुत बॉल कट रहा था। तो उस मैच के बारे में आपको क्या कहना है, मतलब उधर थोड़ा सेम ही विकेट था, मतलब विकेट था जैसा ये क्वेश्चन है। वो मैच में एक्चुअली प्रॉब्लम था साइड स्क्रीन का, क्योंकि वो ग्राउंड में साइड स्क्रीन नहीं था, पीछे झाड़ थे, तो हम लोग जब हाँ भी बॉलिंग कर रहे थे तभी ऐसा लग रहा था ये लोग ऐसा बैटिंग क्यों कर रहे, क्योंकि क्या होता है साइड स्क्रीन नहीं था और अपने लेवल में तेज डालते हैं, ठीक ठाक डालते हैं, 125 to 130 तो स्पीड रहता ही है ए डिवीजन में या बी डिवीजन में। तो उसमें क्या होगा कि अब अगर साइड स्क्रीन नहीं रहेगा और झाड़ का जो शेडो रहता है उसमें बॉल दिखता नहीं, तो आप थोड़ा भी लेट हो जाते हो तो आपको प्रॉब्लम आता है, ऊपर से बॉल सीम हो रहा था, तो फिर ऐसा लग जो 120 डाल रहा है या 130 डाल रहा है वो अपने को 140 या 145 मतलब 135 to 145 लग रहा था, तो इसलिए वो प्रॉब्लम आया था वो मैच में। और चिराग ने वो मैच में अच्छा बैटिंग किया था। बट हमने देखा था जैसे चिराग हमारा जो एक प्लेयर था चिराग खुराना, वो काफी अटैकिंग खेला था उस मैच में, नहीं पर मतलब उसने वो और नॉर्मल जो मारने वाले हैं वो ही मारे उसने, और जो भी अपन आउट हुए थे बॉल्स ऐसे नहीं मिले थे और अपन उतना टाइम खड़े भी नहीं हुए मेन मतलब, तो इसलिए, और जो उतना टाइम खड़ा था वो लोग विकेट निकालने गए उसको लूज बॉल्स मिले और उसने मारे बाउंड्री, उसने नॉर्मली शॉट्स मारे थे, उसके स्ट्रेंथ पे ही खेला था। तो सपोज करो अगर मतलब आप खेलते हो 3 4 मैच रणजी ट्रॉफी के ऐसे हैं जहां पे एक मैच आपका दिल्ली में हो गया, एक मैच आपका हिमाचल में हो गया, एक मैच मोहाली में हो गया और एक मैच आपका लाली में हो गया, 4 मैच आपके अगर ऐसे पड़ गए हैं ऐसी विकेटों पे, तो आपकी क्या अप्रोच रहेगी? मतलब आपको पता है कि विकेट से कुछ होने ही वाला है, तो आप टाइम लेके खेलोगे लूज बॉल का वेट करोगे या फिर आप थोड़ा नहीं अटैकिंग मोड में अभी रहोगे कि अब यही है जो डिपेंड, है? नहीं अभी डिपेंड आपका टीम क्या डिमांड करती है, अगर मैं टीम में खेलता तो ओपनिंग बैट्समैन हूँ तो मैं अटैकिंग खेल के 10 बॉल में 15 रन या 20 रन करके आउट होने से अच्छा है मैं वो टाइम स्पेंड करूँ जो नया बॉल है उसको ओपनिंग का रोल, तो वो पुराने जमाने का था कि रोल कि नया बॉल पुराना करना है, पर अभी के इसमें वैसा नहीं है, नया बॉल पुराना करना है उसका काम है कि बड़ा स्कोर देना है, अच्छा पार्टनरशिप अच्छा स्टार्ट देना है, कि वो पुराने जमाने में था भाई किसी को टैलेंट ट्रैक है तो टैलेंट ट्रैक को भेजो थोड़ा टाइम 5 10 ओवर खेलेगा तो भी ठीक है, पर वैसा नहीं होता, अगर आप ओपनिंग बैट्समैन है तो आपका काम ही है वो कि आपको नया बॉल खेलना आना चाहिए, और वही जो आपने कहा करो वो भी कर सकते हैं, जैसे मैं जोगिंदर शर्मा जब खेल रहे थे लाली में उन्होंने कुछ तो 5 विकेट निकाले थे, मुझे आउट नहीं किया था क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 स्टेप आगे खड़ा था, तो और उनका बॉल आउट स्विंग होकर गिर के अंदर आ रहा था तो मैंने LBW का चांस नहीं दिया, और मैं सॉफ्ट हैंड खेल रहा तो एज लग के गया तो भी स्लिप में कैरी नहीं होता था, तो वो मैं वो उसको टैकल किया, अनलेस एंड अंटिल किसी का ज्यादा स्पीड है 135 140 डालता है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि आप आगे रहते तो और स्पीड बढ़ जाता है, तभी कैसा बैट थोड़ा फटाक से जा सकता है, हार्ड हैंड्स हो सकते हैं, कोई वो थोड़ा सोच के बैटिंग लाली करना। लाली में आप मैच खेले हो और उस मैच में मास्टर भी खेले थे और मास्टर ने मेरे ख्याल से 80 odd कुछ रन भी बनाए थे उस मैच में, तो उनकी थोड़ी इनिंग उसने डिस्क्राइब करो, उनकी क्या इनिंग हो थोड़ी गया था डिस्क्राइब करो फर्स्ट कि में मास्टर की क्या। लास्ट मैच थी फर्स्ट इनिंग हम लोग क्लोज कुछ तो जीते थे, याद नहीं आ रहा कितना कितना इनिंग से ये किया था लीड लिया था, पर हमें टारगेट समथिंग अराउंड 240 या 250 आया था, और लाली में आपको तो पता है पिच कैसे रहता है, आउटफील्ड तो बहुत स्लो था, हार्डली बाउंड्री जा रहा था, मेरा पूरा मैच में शायद एक ही बाउंड्री था, दोनों पहले इनिंग में मैं 10 के अंदर आउट 9 रन कुछ तो किए थे, सेकेंड इनिंग में पार्टनरशिप हुआ था मेरा अजिंक्य कर मास्टर का, समथिंग अराउंड में 47 पे आउट हुआ था, पर वो 47 भी ऑलमोस्ट 80 90 जैसा था क्योंकि आउटफील्ड बहुत स्लो था, सिर्फ मास्टर के बैट से जा रहे थे बाउंड्री, मेरा हार्डली 1 या 2 बाउंड्री गया रहेगा वो पूरे मैच पे, सिर्फ भाग रहा था मैं, सिर्फ भाग रहा था, इतना आउटफील्ड स्लो था, और पाजी के साथ बैटिंग करना मुझे तो बोल 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 पाजी का बैट यूज करके खेलते पाजी पाजी का बैट के मुझे बैट थी पाजी चार ने, चार हाँ देते। पाजी ने मुझे एक बार बैट दिया था
तो मेरा मतलब पाजी के साथ फर्स्ट मैच था, मेरा फर्स्ट मैच सीजन का फर्स्ट मैच था अगेंस्ट रेलवे एट वानखेड़े, और मैंने 85 पे आउट हो गया था मैं। और मैं मास्टर अंदर थे, मास्टर आउट हो गया था सेकंड, फर्स्ट इनिंग में 100 मार दिया था, सेकंड इनिंग में जल्दी आउट हो गए थे। सेकंड इनिंग में नहीं, सेकंड इनिंग में बैटिंग ही नहीं किया, बोले अभी क्या जीत गए फर्स्ट इनिंग तो रिजल्ट नहीं लग रहा तो बैटिंग नहीं किया मास्टर। तो उनको मेरा बैटिंग अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे बैट दिया साइन करके, एक उनका थोड़ा पुराना बैट था तो उस पर साइन करके दिया, तो मैं लिया। बहुत है, पहले आप बैट पकड़ा तो बोला बहुत हेवी है, बोला इतना ये बैट से खेलूंगा कैसे मैं, एक तो फली जैसा हल्का बैट यूज करता था एकदम। तो फिर गया जैसे शॉट मारा, बोला बोला क्या जा रहा है मस्त। बाद में हल्का किया बैट को मैंने, बैट किया बाद में, फिर बोला मैं अभी रणजी ट्रॉफी में डायरेक्ट यूज नहीं करूंगा क्योंकि आदत नहीं है। फिर रणजी ट्रॉफी खत्म होने के बाद फिर क्लब के मैचेस में टाइम शील्ड में यूज किया था अगेंस्ट डीवाई पाटिल के सामने ही, टाटा वर्सेस डीओ, अभी 170 मारे थे। बहुत बाबा बाबा क्या बैट था यार, मतलब छक्के भी इसी ऐसा के तो छक्का जाने का। बाद में एक बार एक मैच में टूट गया मेरा, मतलब नेक्स्ट यही वही साल टूट गया मेरा बैट, वो है अभी भी घर पे पड़ा है बैट वो। सारे रन उसी साल बना दिए होंगे उस बैट से। अरे तो रन तो कर रहा ही था ना रे, पर वो बैट से जो फीलिंग अलग आता है ना रे, मतलब कैसे आपके पास एकदम अच्छा बैट है, अगर तू तेरे को मारना रहेगा तो बिंदास मार सकता है, तेरे को मालूम है लगा तो छक्का ही जाएगा, मिस टाइम हो तो बाउंड्री तक तो जाएगा ही। डीवा पाटिल में साला एक रन निकालने गया था जस्ट ऐसा, थोड़ा बॉल रुक के आया सीधा छक्का गया। मैं बोला क्या हो गया ये, बोला इतना अच्छा बैट। एक यहाँ पे है कौशिक मिश्रा करके, उनका क्वेश्चन है हाउ टू हैंडल प्रेशर। बताओ आप, मेरा ही स्टूडेंट है वो। हैंडल प्रेशर खेल खेल के, मेरे को तो लगता है कि खेल खेल के आप सीख जाते हो। सिर्फ आपको जब भी आप नेट्स में रहते हो या कहीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत प्रेशर लेना चाहिए, तो वही आदत फिर मैच में आती है। अगर हम नेट्स में अगर हम हल्के उससे खेलते हैं, मतलब तो प्रेशर नहीं लेते, तो मैच में फिर मेरे को नहीं लगता कि आप वो प्रेशर हैंडल करने की आपको आदत पड़ेगी। ये बहुत आपका बड़ा क्या कहना प्रॉब्लम है है इसके बारे में? आजकल के बच्चे, वही सीधा जाते नेट में सब बॉल छक्का मारने देखते हैं, मैच में आ गए तो सीधा कांपने लगते। तो वही मैं मेरे एकेडमी में भी यही बोलता हूँ कि आप जब प्रैक्टिस में आते हो प्रैक्टिस करते हो तो इमेजिन करो कि यहाँ पे फील्डर्स है, कौन सा बॉलर, मैं बोलता हूँ कि बॉलर्स ने बैट्समैन को फील्डर्स बताना है और बैट्समैन ने बॉलर्स को फील्ड पूछना है, तो आपको मालूम रहता है फील्डर कहाँ है, कहाँ मुझे रन मिल सकता है। अगर ये प्रिपरेशन आप प्रैक्टिस में करते हो तो अपने आप वो मैच में आ जाता है, तो अपने आप जो प्रेशर रहता है वो कम हो जाता है क्योंकि आप ऑलरेडी वो सिचुएशन से गए। मैं टारगेट भी देता हूँ, चलो आज ये सिचुएशन है, तेरे को 10 पे 3 विकेट गए, तेरे को मैच आगे लेके जाना है, 30 ओवर तक खेलना है, उसके बाद में शॉर्ट्स खेलना है, तो वैसा वो टारगेट आप रखोगे प्रैक्टिस में तो आपको ईजी हो जाएगा। और क्या क्वेश्चन है किसी का, आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइस रेंज ऑफ पैड्स यू गाइस यूज? भाई ऐसे इसके बैट्स बहुत महंगे होते हैं, 25 से 50 हज़ार के बीच में मिलते हैं, हर टाइप के बैट्स होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इतने महंगे बैटों से मत खेलो, शुरुआत में आपको नॉर्मल बैट भी चलेगा। एक बार आप अच्छे प्लेयर बन जाओ तो आपको अपने आप बैट मिलने शुरू हो जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट प्राइस ऑफ द बैट्स एट द मोमेंट। राहुल टेक्निक शर्मा पे ने ध्यान किया दो, बेसिक्स पे ध्यान दो। जम्मू कश्मीर लेजेंड इयान देव सिंह चौहान। पता नहीं मेरे यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, कांट सी। नहीं आ रहा है क्या? एक बंदा है पाकिस्तान, रिस्पेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान, सेम है रिस्पेक्ट फ्रॉम इंडिया। कौन है भाई, नाम क्या है? अलियान और किसी का क्वेश्चन दिखता है इंग्लैंड का क्या? थोड़ा अपना एक्सपीरियंस, इंग्लैंड का एक्सपीरियंस शेयर करो। इंग्लैंड में आप खेले 8 7 8 साल हो गए आपको, वहां मेरे की जो को नहीं क्रिकेट यार, है, मेरे पास काफी सारे लोग कहते हैं कि इंग्लैंड का क्रिकेट अच्छा नहीं है, ये है वो। आपका क्या कहना है कौन इसके बारे में? कौन बोलता है?
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आपको इंडिया के लिए खेलना है तो आपको इंग्लैंड नहीं जाना चाहिए, इंडिया में रहना चाहिए, इंडिया में प्रैक्टिस करनी चाहिए ऑफ सीजन मुंबई में और फिर मुंबई सीजन खेलना चाहिए। मुंबई तो बेस्ट है, मुंबई वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन इंडिया, बेस्ट टीम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वो लोग भेजते अपने प्लेयर्स को, तो बाकी के कौन है, कौन वो लोग बोलने वाले। वही मतलब काफी सारे लोगों की ऐसी थिंकिंग है कि इंग्लैंड अगर आप जाते हो तो आपका क्रिकेट खराब हो जाता है। क्या बात कर रहा, पहली बार सुन रहा है मैं सर। सब लोग तो बोलते हैं वसीम जाफर लेजेंड आदमी, इंग्लैंड में जाना चाहिए। वसीम जाफर जो सबसे ज्यादा रन बना के बैठे हैं वो इंग्लैंड खेलते हैं हर साल। अमोल मुजुमदार जो थे एकदम लेजेंड डोमेस्टिक के, वो इंग्लैंड खेलते थे। फिर अभी अगर आप आज की डेट में देखो काफी सारे प्लेयर्स जो वहां पे खेलते हैं सब जब वापस आते हैं तो काफी प्रिपेयर्ड होके आते हैं। अभी के लेजेंड चिराग खुराना, किरण देव सिंह चौहान सब खेलते वहां पे। चिराग खुराना और कौस्तुभ पवार तो दो दो हजार रन बनाते हैं वहां पे सीजन नहीं यार, पर के। इंडियन में कैसा है, अभी यहाँ पे अपना बारिश गिरता है, हम वहां जाते हैं, मतलब अपना डेवलपमेंट एज अ ह्यूमन बीइंग अपना डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि आपको एक अलग कंट्री के लोगों के साथ रहने मिलता है, आप उनके घर में रहते हो, उनका खाना, और आप वहां जाके खाना बनाना सीखते हो, अपना सब मतलब सब कुछ, बर्तन धोना, कांदा काटना, मतलब सब मतलब कुछ आपको सीखना पड़ता है। आपके कहने का मतलब है बेटर ह्यूमन बीइंग बन के आते हैं वहां से। हाँ मतलब वही ना यार, जो हमने कभी यहाँ पे इंडिया में रह के कभी खाना नहीं बनाया, कभी बर्तन नहीं धोए थे मैंने, तो वहां पे जाके आप सब कर रहे हो, वहां पे एज अ ह्यूमन बीइंग इम्प्रूव हो रहे हो, और वो ही आपको हेल्प करता है ना आगे जाके। तो अभी लॉकडाउन में क्या हो रहा है, सब क्रिकेटर के साथ क्या हो रहा है, वो ही कर रहे हैं, सब घर पे हेल्प कर रहे हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई क्या बर्तन मांज रहा है, क्या बोलते हैं हिंदी में, मांज रहा है ना, तो यही यार। बर्तन साफ कर रहा है। और ऊपर से उधर का कंडीशन, बॉल तो हिलते रहते हैं, बॉल कितना ग्लॉसी रहता है मालूम है तुझे, पूरा 50 के 50 ओवर बॉल हिलते रहता है, तो वहां पे टेक्निक थोड़ा अलग अलग चाहिए थोड़ा है। इंग्लैंड में इसलिए इंडियन सर्वाइव नहीं कर रहे, क्योंकि वहां का टेक्निक हमें पता नहीं है, पर वहां जाके मैं भी फर्स्ट मेरे को सीजन जब एक्चुअली में ये क्लियर करना था काफी लोगों के लिए जो ये अगर देख रहे हैं कि इंग्लैंड में अगर आप प्रीमियर लीग खेल रहे हो तो आई थिंक दैट क्रिकेट इज इक्वलेंट टू रणजी ट्रॉफी का जो सी लेवल है उसके इक्वलेंट ही है। क्योंकि प्रीमियर लीग में हर टीम के पास एक प्रो होगा, एक एमेचर होगा और जो उनके लोकल काउंटी के भी प्लेयर्स खेल रहे होंगे। अगर आप किसी अच्छी लीग में खेल रहे हो तो, हर टीम में और चार पचास ओवर के प्लेयर मैच होते में, 50 ओवर का मैच काफी हाई इंटेंसिटी मैच रहता है और कंडीशंस जो होती हैं एज ए बैट्समैन काफी टफ होती हैं। तो आप वहाँ पे एक आप काफी लेट खेलना सीख जाते हो, जो अभी पीछे क्वेश्चन था कि आप सीमिंग ट्रैक पे कैसे खेलोगे। तो आई थिंक वहाँ पे खेल हैं। के काफी हेल्प मिली है मेरे को, क्योंकि हम नॉर्थ जोन में काफी खेले हैं और नॉर्थ जोन में कंडीशन थोड़ी बहुत इंग्लैंड की तरह ही होती हैं। और कांगा लीग भी खेल के थोड़ा आइडिया आ जाता है, पिच भी वैसे ही देते थोड़ा। तो वो एक मुझे याद है पहले साल जब इंग्लैंड खेलने खेल के आया था तो मैंने रणजी ट्रॉफी में 800 की 900 रन बनाए थे और मैं दिलीप ट्रॉफी में सिलेक्ट हुआ था और इंडिया ए के लिए भी सिलेक्ट हुआ था, मतलब पहले उसी सीजन। तो ये जो है मतलब इंग्लैंड खेलना इज नॉट गुड फॉर योर क्रिकेट, ये जो थिंकिंग है लोगों की, ये मेरे को यही लगता है कि अगर आप एक बार जाके अच्छी लीग खेलोगे तो देर इज नथिंग हार्म इन इट, बिकॉज आज ऑफ सीजन में ऑफ इंडिया में कुछ क्रिकेट खेलोगे नहीं क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही होगी, आप कितनी ट्रेनिंग कर लोगे। और इंग्लैंड में भी आप एक दिन क्रिकेट खेलते हो, मतलब सैटरडे या मैक्सिमम संडे 2 दिन क्रिकेट खेलते हो, बाकी आपका पूरा हफ्ता होता है जिसमें आप अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हो। क्योंकि वहाँ का जो वेदर है, जैसे केपी आप महापुर हम साथ में रहे थे, हम वहाँ पे जो ट्रेनिंग करते थे जिम में जाके डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, वो काफी हार्ड हार्ड कोर ट्रेनिंग थी। अगर वहाँ पे 2-3 महीने भी आपने अच्छी ट्रेनिंग कर ली तो आप फिट रहोगे, आई मीन आप अपना इंडिया का सीजन काफी अच्छे से खेलोगे। तो खाना अगर आप हाँ खाने का अच्छा ध्यान रखो, वही आप डिफरेंट कल्चर में रहते हो तो आप काफी सारी चीजें सीखते हो। आप अभी जैसे अभी इंग्लैंड में खेल के आए तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी श्रीलंका में जैसे मैं खेला तो वो तो एक ऑल टुगेदर एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। क्यों? क्योंकि वहां पे पहले ओवर से स्पिनर लगता है,
वहां के जो विकेट्स हैं एकदम स्लो ट्रैक्स हैं और काफी मतलब स्पिनर फ्रेंडली विकेट्स हैं वहां पे। तो वहां पे टीमें 4 स्पिनरों से खेलती हैं और एक फास्ट बॉलर से खेलती हैं मैक्सिमम, या एक आधा ऑलराउंडर और का फास्ट बॉलिंग, बट वहां की स्ट्रेटेजी ये रहती है। तो वो भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था इस साल जो हम खेले। तो मतलब कोई हार्म नहीं है अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है खेलने से कहीं, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। क्योंकि क्रिकेट को कभी ना नहीं बोलना चाहिए, आपको जहां पे अच्छा क्रिकेट खेलने को मिले आपको चुपचाप खेलना चाहिए। और पॉलिटिक्स होते रहती हैं, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू कीप योर सेल्फ मेंटली फिट और जब भी मौका मिले मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक। एक क्वेश्चन आया हाउ है टू अलियन प्ले इन इंग्लैंड। अलियन, शायद पाकिस्तान का है। विच प्लेयर इज योर फेवरेट इन पाकिस्तानी टीम? विच इज योर फेवरेट पाकिस्तानी टीम? पाकिस्तानी टीम मतलब पाकिस्तान का कौन सा प्लेयर? बाबर आजम, नो डाउट। आई थिंक मेरा भी मैं सेम यार। उसके वीडियो उसको उसकी वीडियोस देखता हूँ। और एक्चुअली मैं एक साल सॉमरसेट में खेला था, ब्रिज वाटर करके एक क्लब है, और बाबर आजम सॉमरसेट के लिए खेलते हैं दोनों, बाबर आजम और अजहर अली दोनों। और मैंने प्रैक्टिस सेशन एक अटेंड किया था उनके साथ, और वो उसकी क्लास, जैसे वो बोलते हैं कि विराट कोहली की क्लास का है, नो डाउट उसमें बहुत, तो मतलब उसकी क्लास बहुत हाई लेवल की है। और वो उसकी हंगर अभी और आएगी, दिखेगी, क्योंकि वो अभी उसका स्टार्ट हुआ है करियर, और उसने इतनी जल्दी बहुत ज्यादा नाम बना लिया। मतलब इतना नाम मैंने कभी नहीं सुना किसी पाकिस्तानी प्लेयर का इतना हुआ जितना बाबर आजम का हुआ आज और की वो डेट टी में। ट्वेंटी में नंबर वन बैट्समैन है, हाँ, और उसके वो टी बैटिंग ट्वेंटी स्टाइल नंबर में वन वो टी बैट्समैन है, ट्वेंटी जबकि वो प्रॉपर क्रिकेटिंग टेक्निक में शॉट्स दौड़ रहा मारता है। है। मतलब हाँ उसका कोई पोलार्ड जैसी उसमें पावर नहीं है, ना ही गेल जैसी पावर है। आई थिंक विराट कोहली ऑल्सो, वो भी क्रिकेटिंग शॉट्स ही मारता है। तो इसमें कोई ये वो नहीं है कि अगर आपको T20 का प्लेयर बनना है तो आप में बहुत ज्यादा पावर होनी चाहिए। अगर आप आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है, और अगर आपको गैप्स निकालने का आइडिया अच्छा है, तो आई थिंक ये जो T20 फॉर्मेट है इसमें यू कैन सर्वाइव इजिली। यू गॉट टू बी अ गुड फील्डर आई थिंक, इफ यू आर अ बैट्समैन, एंड यू कैन सो दैट यू कैन सेव रन फॉर योर टीम। और बैटिंग में आपका मतलब सिचुएशन के हिसाब से आपका स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए, और टीम के लिए अगर आप किसी भी तरीके से हेल्प कर सको तो वो होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे फील्डर हो तो आप T20 टीम में आई थिंक फिट बैठते ही बैठते, क्योंकि फील्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है T20 का। आई थिंक बैटिंग एंड बॉलिंग से ज्यादा आई थिंक फील्डिंग मैटर। जो भी टीम की फील्डिंग अच्छी होती है आई थिंक वही टीम जीतती है। इंडियन टीम या जितनी भी टीम्स हैं वर्ल्ड में, वो अच्छी T20 टीम्स क्यों है, क्योंकि सब में यंगस्टर्स हैं जो फील्डर्स बहुत अच्छे हैं। अब इंडियन टीम में भी अगर आप देख लो, विराट हो गया या रविंद्र जडेजा हो गया या सुरेश रैना जब खेल रहे थे वो, मतलब ये 3-4 फील्डर बहुत जबरदस्त थे। तो आज की डेट में तो अभी IPL की वजह से भी काफी फर्क पड़ा है, क्योंकि IPL खेलते हैं, IPL में भी जो एक्सपोजर मिलता है ट्रेनिंग का, फिटनेस का, वो काफी हाई लेवल रहता है, तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। और आईपीएल खेल के फिर अभी T20 में आते हैं मोस्टली प्लेयर्स, जैसे हार्दिक पांड्या या कृणाल पांड्या हैं, तो ये दोनों भी मतलब इलेक्ट्रीफाइंग है ऑन द फील्ड, है वेरी वेरी फास्ट, वेरी स्लीक ऑन द फील्ड, और मतलब उनका फिटनेस लेवल काफी हाई हो गया है हाई इंटेंसिटी गेम खेल खेल के। तो अगर आपकी फिटनेस अच्छी और आपकी फील्डिंग अच्छी है तो आई थिंक यू कैन डू गुड इन T20। टेस्ट क्रिकेट, आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में यू कैन स्टिल सर्वाइव स्लिप में खड़े रह के, या अगर आपसे बैटिंग अच्छी करते हो और अगर आप लंबे 100 बनाते हो तो यू कैन स्टिल सर्वाइव। बट आई थिंक वनडे क्रिकेट एंड T20 में यू नीड टू बी अ गुड फील्डर। नहीं यार, ऐसा नहीं लगता है मुझे। हर जगह हर टेस्ट मैच स्लो है पर डिफिकल्ट है यार। 5 दिन खेलना मतलब कोई अनफिट प्लेयर नहीं खेल सकता यार 5 दिन। अभी जैसे अभी एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे वीरेंद्र सहवाग थे, तो वो उन्होंने 300 बनाया टेस्ट में। तो अगर आप देखें कि उनकी फिटनेस विराट कोहली से तो बेटर नहीं थी, लेकिन उन्होंने 300 बनाया, 2 बारी बनाया इंडिया के लिए, जबकि विराट कोहली ने अभी एक भी 300 नहीं बनाया। तो बैटिंग फिटनेस अलग चीज हो गई, और ऑन फील्ड ऑन फिटनेस अलग चीज हो गई, और फील्ड दिखने फिटनेस वाली मीन्स फिटनेस अलग उनका चीज हो गई। एजिलिटी में थोड़ा सा ही रहेगा। लेकिन वही अगर सहवाग की बात करें तो वो स्लिप के काफी अच्छे फील्डर थे, तो उन्होंने स्लिप में काफी अच्छे कैचेस पकड़े हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो ये चीज थोड़ी सी, स्किल लेवल थोड़ा हाई रहता है, अगर आपको टेस्ट प्लेयर अच्छा बनना है तो स्किल लेवल थोड़ा हाई हाँ, रहता है। और एक और वनडे T20 क्वेश्चन में फिर भी यू कैन है, हाँ गेट अवे। नेहल कटक धोनी का है,
एज बोथ ऑफ यू हैव रिस्पेक्टिवली प्लेड अ गुड लेवल ऑफ क्रिकेट, वॉट वुल बी दैट वन थिंग यू वुड लाइक टू शेयर टू अ प्लेयर हु इज एस्पायरिंग टू प्ले अ बिगर लेवल क्रिकेट इन नियर फ्यूचर? बताओ ये आंसर. आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है आज की डेट में, ये हर एक स्टूडेंट के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि देख देख के इट्स गुड टू गेट इंस्पायर्ड कि हाँ इवन आई वॉन्ट टू बिकम, बट आई थिंक हर एक प्लेयर को पता होता है कि वो कितने पानी में, कि उसकी वो कहाँ तक खेल सकता है, मतलब उसका स्किल लेवल कितना हाई है, वो उसमें वो बात है कि वो हाई लेवल क्रिकेट खेल सकता है या नहीं खेल सकता. आई मीन बहुत जल्दी एक प्लेयर को पता चल जाता है कि उसमें वो चीज है या नहीं है. तो यू शुड बी रियलिस्टिक टू योर सेल्फ. अगर तुम्हें लगता है कि तुम खेल सकते हो तो देन गो फॉर इट ऑल आउट. तुम मेहनत करो, तुम अपनी प्रैक्टिस करो, ट्रेनिंग करो, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं. अभी जैसे मैं पहली बार घर पे इतना रहा हूँ, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं, बट पिछले आई थिंक 8-10 साल से केपी को पता है मैं बॉम्बे में अकेला रहा हूँ, और बॉम्बे में अकेला रहना बहुत टफ है. मतलब वहाँ पे सर्वाइव करना इट्स नॉट ईजी, क्योंकि आपको सब कुछ खुद से करना पड़ता है और ट्रैवलिंग बहुत टायरिंग हो जाती है. फिर आपको प्रैक्टिस भी करनी है, फिर आपको परफॉर्म भी करना है, फिर आपको भीड़ में अलग से भी दिखना है ताकि आपको नोटिस हो. तो ये सब चीजें मतलब सैक्रिफाइसेस हैं, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ये सब अचीव करना चाह रहे हो. और ये चीजें आज के यूथ को ये चीजें मतलब पता होनी चाहिए कि अगर आपको हाई लेवल का क्रिकेट खेलना है तो आप ये सोचो कि हमारी पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा लोग जो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो सब क्रिकेट खेलते हैं और सब मेहनत कर रहे हैं. तो आपको कुछ ऐसे अलग से करना है जो वो नहीं कर रहे हो, तो ही आप थोड़े स्टैंड आउट दिखोगे. अगर आप ऑर्डिनरी रहोगे तो आप फिर ऑर्डिनरी लेवल ही खेलते रहोगे, फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. देन यू शुड बेटर फोकस ऑन स्टडीज और समथिंग एल्स. बट अगर आपको क्रिकेट अच्छे लेवल पे खेलना है और हाई लेवल पे खेलना है तो आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने हैं. आपको अपना आराम छोड़ना है, आपको आई थिंक फैमिली फैमिली भी आपको थोड़ा बहुत मतलब उनसे भी आपको दूर रहना पड़ेगा, काफी ट्रैवल करना पड़ेगा. आपको आपकी स्टडीज काफी इफेक्ट होंगी. अगर आप, मैं तो ये बोलना चाहूंगी अगर आप कोप अप कर सकते हो तो प्लीज ट्राई एंड डू इट. बट अब जो क्रिकेट हो गया अब काफी डिफिकल्ट हो गया. इवन अब आप कहो कि स्टडीज के साथ साथ क्रिकेट चलाएं, अब काफी डिफिकल्ट हो गया इवन टू प्ले किस लेवल ऑफ क्रिकेट, लाइक बेसिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट ऑल्सो. अब यू हैव प्री सीजन कैंप्स, देन यू हैव इन सीजन ट्रेनिंग. सीजन बहुत लंबा होता है, आपका टाइम नहीं होता है. पहले फिर भी हो सकता था, ये सब मैनेज हो सकता था, लेकिन अब काफी डिफिकल्ट हो गया. तो आई थिंक यू शुड बी रियलिस्टिक टू योर सेल्फ स्टूडेंट. आपके आगे पीछे का कॉम्पिटिशन क्या चल रहा है, आप उसमें कितना मतलब वो कर रहे हो, कितना आप उस कॉम्पिटिशन में आपको लगता है कि आप यहाँ से बाहर निकल सकते हो, एक स्टैंड आउट प्लेयर बन सकते हो, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो. और काफी सारे लोग मतलब खुश हो जाते हैं कि स्टेट को रिप्रेजेंट कर लिया या फिर रणजी ट्रॉफी खेल लिया. आई थिंक आपका एम होना चाहिए कि अगर आप कुछ भी चीज कर रहे हो, इट्स नॉट जस्ट क्रिकेट, तो आप उसके टॉप पे पहुंचो. मतलब अगर आप रणजी ट्रॉफी भी खेल रहे हो तो आप रणजी ट्रॉफी जीतो, वो एक एम होना चाहिए. अगर आप रणजी ट्रॉफी के बाद आप दिलीप ट्रॉफी खेल रहे हो या फिर इंडिया खेल रहे हो तो आप वहां पे भी कैसा परफॉर्म कर रहे हो. आई थिंक एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं दूंगा शार्दुल ठाकुर का, जो मतलब हमारे टाटा के टीम में से था. तो वो उसका भी मैंने ग्राफ देखा है. मतलब वो रणजी ट्रॉफी खेला और फिर उसके बाद उसका ग्राफ ऊपर ही गया. मतलब ही स्टैंड आउट. उसको इंडिया में चांस मिला, उसने वहां पे विकेट्स लिए. उसको इंडिया में आईपीएल में चांस मिला, उसने वहां पे अच्छा किया. आई थिंक एक दो साल ऐसा भी था जब वो आईपीएल में था किंग्स इलेवन पंजाब में और उसको खिलाया नहीं था वहां पे. लेकिन यहाँ पे आपकी लेकिन यहाँ पे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ चेक होती है कि आप उसके बाद कैसे कम बैक करते हो. अगर आप हाथ लेके बैठे हो कि भाई मुझे चांस नहीं मिला, मेरे को चांस नहीं मिला और रोते रहोगे तो आपका कुछ नहीं होगा. आप जस्ट अपनी काम करते रहो, आप मेंटली फिट रहो, अपने आप को रेडी रखो कि जब आपको चांस मिले आपको रेडी रहना है. उसके बाद उसको दूसरी फ्रेंचाइजी में चांस मिला, आई थिंक पुणे पुणे वॉरियर्स करके आई थी, उसमें चांस मिला. तो उसके बाद वो इंडियन टीम में भी आया, वहां पे भी उसको अच्छा चांस मिला और उसने काफी अच्छा प्रूव भी किया. अब वो बैटिंग भी अच्छा कर रहा है, पीपल लुक एट हिम एज ए बैट्समैन ऑल्सो. तो काफी सारी चीजें हैं. मतलब मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको ये फिर खेलना है तो फिर आपको ये खेलना ही है. फिर आप अभी जैसे लॉकडाउन भी है तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, आप काफी सारी ट्रेनिंग घर पे भी कर सकते हो. मतलब क्रिकेट में इतनी सारी चीजें हैं, मोबिलिटी है पूरी बॉडी की, देन आप अपनी बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हो. मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको जिम चाहिए ही चाहिए.
बैडमिंटन खेल सकते हो, काफी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे, ताकि जब आप इससे बाहर आओ तो आप मतलब गेम में इन्वॉल्व रहो। तो अगर आपको इस क्रिकेट खेलना है तो आपको काफी सेक्रीफाइसेस करने और फिर ऑल आउट उसके लिए जाना है। फिर उसके बाद आप कुछ नहीं सोच सकते कि अब मेरे मेरा कोई और शौक है, नहीं, फिर सिर्फ क्रिकेट ही है। रैपिड हाँ फायर क्वेश्चन अभी, ठीक है, रेडी? या रेडी रेडी। ओके, फेवरेट बैट्समैन? फेवरेट बैट्समैन आज की डेट में विराट कोहली। और पहले? पहले सचिन पाजी और कौन है? सचिन पाजी को देख के बड़े हुए, सचिन पाजी के लिए बॉम्बे आए। एंड फेवरेट बट बॉलर? मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें तो फेवरेट ये रैपिड फायर क्वेश्चन है, बॉलर, रैपिड हाँ वो रैपिड फायर है। फेवरेट क्वेश्चन बॉलर आई थिंक है। रैपिड बुमराह, फायर बुमराह, बुमराह, ओके। फेवरेट बुमराह। या जसप्रीत बुमराह। फूड? पास्ता नहीं बोलना, फेवरेट फूड? पिज्जा? नहीं, अभी ये मेरे को एक्चुअली कौन सा खाना खिलाती थी यार, अरेबिक फूड काफी अच्छा लगता है। अरे ओ, फेवरेट इनिंग्स? फेवरेट तुम्हारा फेवरेट इनिंग्स? फेवरेट क्या? थोड़ा नेटवर्क खराब है। इनिंग्स इनिंग्स मेरा फेवरेट इनिंग आई थिंक वही दिलीप हाँ, ट्रॉफी में जब मैंने डेब्यू, मेरे डेब्यू में 100 अच्छा, बनाया था, आई थिंक वो वन मेरा फोर्टी फेवरेट फेवरेट इनिंग। शॉट, स्टेप आउट होके मेरा कवर, पुल पुल हुक पुल पुल। हुक पुल हुक अच्छा, पुल। ओके। फेवरेट ड्रिंक? फेवरेट नींबू पानी। हाँ, तू पीता है हमेशा, इंग्लैंड में देखा है। राहुल शर्मा का नींबू मैसेज पानी। आया देखा? ओके। टाटा और आपका टाटा का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब इतने साल खेले आप, टाटा टाटा के टीम के बारे में जरा बताओ। का एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब था। मतलब जितना भी मेरा टाइम था टाटा में, बहुत मजा आया मेरे को। अभी थोड़ा एक गोल मेरा रह गया टाटा के लिए कि अभी हम लोग फिर से ए डिवीजन में आते। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी जिस तरह से टीम है हमारी, स्ट्रॉन्ग टीम है, थोड़ी सी चीजें अगर और ठीक हो जाएं तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। आई थिंक दिस ईयर ऑल्सो वी वर प्रेटी मच क्लोज। और थोड़ा सा और प्रोफेशनल हो जाएं, थोड़ी वो सोच बड़ी कर लें तो नेक्स्ट ईयर इट्स पॉसिबल। ओके, और इतने साल में मेरे साथ बिताए हुए पल जरा बताओ। टाटा, डीवाई पाटिल, यूके। तुम्हारा और मेरा जर्नी ऑलमोस्ट सेम ही रहा है। पहले डीवाई में सेम सेम थे, फिर टाटा में भी साथ साथ आए, फिर यूके भी साथ में ही गए, फिर दोबारा अभी डीवाई में हम वापस आए हैं क्लब में। और ये साल काफी मजे किए हमने क्लब में आके, फिर से खेले हम लोग। डीवाई कांगा लीग जीते, और कौन सा जीते हम? पुरुषोत्तम शील्ड जीते, दो टूर्नामेंट जीते हैं अभी। तीन में से काफी दो डीवाई में टूर्नामेंट एक्चुअली जीते। मेरे को काफी और तुम्हारी ग्रोथ एज ए बॉलर बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे वीडियोस भी देख रहा था इंस्टाग्राम पे, काफी तुमने विकेट लिए हैं इस साल क्लब क्रिकेट में, और बैट्समैन तो तुम अच्छे हो ही। यही यही कहना चाहूंगा कि थोड़े अगर तुम और कंसिस्टेंटली बड़े बड़े रन बनाओगे तो यू नेवर नो, बॉम्बे टीम में अभी तुम आ सकते हो वापस। क्योंकि बॉम्बे टीम को एक टॉप ऑर्डर में ऐसा बैट्समैन चाहिए जो टाइम लेके, जो आपने बात की, टाइम लेके खेलता हो और नया बॉल पुराना करके दे, क्योंकि सब अटैकिंग प्लेयर्स हैं बॉम्बे में। बाकी यही है कि अभी लॉकडाउन के बाद कैसे स्टार्ट होता है क्रिकेट, क्या होता है क्रिकेट का, अभी देखना पड़ेगा, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। ओके, तो अभी टाइम खत्म होने आया है, तो आज का यहाँ पे रुका देते। थैंक्स इयन, एंड होप एवरीबॉडी एंजॉयड दी। प्लेजर प्लेजर केपी केपी मैंने तो बहुत एंजॉय किया ये सेशन। के मजा आया, काफी टाइम बाद बात हुई है। आई थिंक ये जो लॉकडाउन है इसमें सेल्फ एनालिसिस भी काफी कर सकते हैं लड़के, क्योंकि तुम पिछले 8-10 साल से कंटिन्यूअसली भाग ही रहे हो, खेल रहे हो कभी यहाँ कभी वहाँ, तो यू कैन, इट्स अ गुड ब्रेक आल्सो फॉर क्रिकेटर्स।
मेक द मोस्ट ऑफ इट, स्पेंड योर टाइम विद द फैमिली एंड स्टे सेफ, स्टे स्टे इंडोर. होम, स्टे सेफ. सी यू बड़ी, सी यू, बाय बाय बाय. बाय.